उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, 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 खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, 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 नुक्ता ची शंखवादी को मैं ना मिला, 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 मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया, 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 उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, मोती किसे मिले जो सागर में उतर गया, इसे दरिया किनारे सैर करना इसका अपना मजा है, कुछ जो सैर करते करते और आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों को तैरते हुए देखते हैं, नौका विहार करते हुए देखते हैं, सोचते हैं चलो हम भी जाकर दरिया के अंदर जाएं, लेकिन उतरते नहीं, नौका विहार, ना हमें कुछ करना है, नौका भी कोई और चला रहा है, हम तो उसमें सैर करके मजा ले रहे हैं, तो नौका विहार का भी अपना मजा है। कुछ और होते हैं कि भाई दरिया के अंदर तो आए लेकिन नौका में आए, क्यों ना दरिया के अंदर तैरने का मजा लिया जाए, परिणाम तैरना आता नहीं सीखना पड़ता है। ये वो मानसिक स्थिति है जब हमें गुरु की जरूरत पड़ती है, जो चीज़ नहीं आती गुरु सिखाता है, दरिया किनारे सैर के लिए कोई ज़रूरत नहीं, नौका विहार के लिए भी ज़रूरत नहीं, जब अध्यात्म में हम मानसिक वृत्तियों में घुसते हैं, मानसिक स्थिति में आते तब गुरु की जरूरत पड़ती है, और वो है तैरना। लेकिन इन तीनों को मोती नहीं मिलते, चाहे दरिया किनारे सैर मज़ा है उसका अपना, नौका विहार का अपना मज़ा है, तैरने का अपना मज़ा है, लेकिन इन तीनों को मोती नहीं मिलते। मोती किसे मिलते हैं जो तैरने के साथ साथ अब डुबकी लेनी शुरू कर दी उसने, अंदर गए, किसे मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, 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 नुक्ता ची शंखवादी को मैं ना मिला, नुक्ता ची शंखवादी को मैं ना मिला, नुक्ता ची शंखवादी यानी तर्क और वितर्क करने वाले, सीधी सी भाषा में कहूँ तो ज़्यादा जो बुद्धिजीवी हैं, बुद्धि का इस्तेमाल तर्क वितर्क में करते हैं, परिणाम फासले दूरियाँ डिस्टेंस बनी ही रहती है, नुक्ता ची शंखवादी को मैं ना मिला, नुक्ता ची शंखवादी को मैं ना मिला, तर्क और वितर्क घुमाते तो बहुत हैं पहुँचाते कहीं नहीं, इसलिए ठाकुर स्वयं कहता है मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया, मुझको
मुझको तो शबरी का भोला पन पा गया। तूने मूर्ति कहा मैं मूर्तिवान था, 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 तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण 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 था। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, 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 विश्वास की बात। हिरण्यकश्यप खड़ा है तलवार लेकर, सामने प्रहलाद जी हैं, तपता हुआ खंबा भी है। हिरण्यकश्यप पूछते बता तेरा नारायण कहाँ है, यहाँ है। प्रहलाद जी तो पहुंचे हुए बोलते हैं हाँ है, यहाँ है, हाँ है। तपते हुए खंबे की ओर इशारा करता हिरण्यकश्यप, क्या तेरा नारायण इसमें भी है? हाँ पिता मैं इसमें भी है, जाओ जाकर लिपट जाओ इससे, तपते हुए खंबे से। प्रहलाद जी सहज भाव में जाते हैं, उस तपते हुए खंबे से लिपट जाते हैं, कुछ नहीं होता। ये देखकर आश्चर्यचकित होते हैं हिरण्यकश्यप, उसे विश्वास हो जाता है होना हो जरूर इसी के अंदर नारायण है। परिणाम नंगी तलवार लेकर दौड़ता है, ज्यों ही उस खंबे पे प्रहार करता है, नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब दिखने में तो तपते हुए खंभे से प्रकट हुए नरसिंह भगवान, लेकिन सूक्ष्मता क्या है, हकीकत क्या है कि तपते हुए खंभे से प्रकट हुए या हिरण्यकश्यप के विश्वास से प्रकट हुए? क्यों प्रहलाद ने कहा यहाँ है, उसे विश्वास नहीं हुआ। प्रहलाद जी ने कहा यहाँ भी है, विश्वास नहीं हुआ। जिस क्षण उसे विश्वास हुआ कि तपते हुए खंभे से प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ, तो जरूर नारायण इसके अंदर है, ये उसके अंदर है, इसलिए प्रहार करता है। तो दिखने में तो तपते हुए खंभे से प्रकट हुए, लेकिन हकीकत क्या कहती है कि हिरण्यकश्यप को जिस क्षण विश्वास हुआ नारायण उसी में से प्रकट हो गए। तूने मूर्ति कहा मैं मूर्तिवान था, तूने मूर्ति कहा मैं मूर्तिवान था, तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण 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 था। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। खन्ना जाट बुलाया मैं झटका गया, खन्ना जाट ने बुलाया मैं झटका गया, खन्ना जाट बुलाया मैं झटका गया, खन्ना जाट ने बुलाया मैं झटका गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी जिन खोजा तिन पाइया। इसलिए सूफी संत भी कहते हैं कि ये कहना गलत है कि उसका पता नहीं है, ये कहना गलत है कि उसका पता नहीं है। दरअसल ढूंढने की हद तक कोई ढूंढता नहीं है, कोई ढूंढने की हद तक उसे ढूंढता नहीं है। इसीलिए
खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, नुक्ता की शंका वाली तो मैं ना मिला, ओ नुक्ता की शंका वाली तो मैं ना मिला, नुक्ता की शंका वाली तो मैं ना मिला, नुक्ता की शंका वाली तो मैं ना मिला। मुझको तो शबरी का भोला तो सच है कि तूने बुलाया नहीं, ये तो सच है कि तूने बुलाया नहीं, ये तो सच है कि तूने बुलाया नहीं, ये तो सच है कि तूने बुलाया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं, मुझको खिलाया नहीं, तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं, तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं, तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया, खा गया। तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं, ओ तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं। बात बड़ी सूक्ष्म है, ये कोई आलोचना नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी, ये कोई आक्षेप विक्षेप नहीं है, हकीकत है। आजकल 56 भोग का बड़ा जोर चलता है, हर जगह जहाँ भी देखो हमने सवा मनी की 56 भोग आज हमारी तरफ से। लेकिन 56 भोग का संतों का मत है, अगर प्रेम से लगाया जाए तो ईश्वर की प्राप्ति सुनिश्चित है, लेकिन इसकी एक टर्म्स कंडीशन है। किसे हो वो प्राप्ति के प्रसाद बांटते बांटते उसके खुद के लिए, बस जो उंगलियों में बचा रह गया वो उसे ही चाट ले। सब दरिद्रों के अंदर कोई भेद ना करे प्रसाद बांटने में, तो ईश्वर की प्राप्ति सुनिश्चित है। लेकिन हमारे यहाँ हमारी विडंबनाएं क्या है, या तो पहले बेस्ट पैकेजिंग के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि प्रसाद जितने का नहीं उससे दो गुना तो कॉस्टली डब्बा होना चाहिए, यूनिक पीस, उसमें भी ये जमाई का, ये उस लड़की का, ये भतीजी का, ये भांजी का, ये फला पड़ोसी का, ये ब्यूरोक्रेट्स का, पहले सब तो बात इसलिए बनती नहीं। फिर कह रहा हूँ कोई खंडन मंडन नहीं, लेकिन अगर हमें ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ना है तो कुछ सोचना चाहिए, ईश्वर क्या कह रहा है, वो चाहता क्या है। बात तभी बनेगी, हम अपनी चाहत उसके ऊपर थोपना चाहें जरूरी नहीं हमारी चाहत मान जाए, हमारी मर्जी वो मान जाए जरूरी नहीं, ईश्वर की क्या मर्जी है उसके अनुसार चलेंगे, बात निश्चित तौर पर बनेगी। और वो इसीलिए कहता है ये तो सच है कि तूने बुलाया नहीं, ये तो सच है कि तूने बुलाया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं, वो बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं, तूने प्रेम से मुझको खिलाया, तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं, तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं, ओ तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा
तक खा गया, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। प्यार को प्यार है, सीधी सी बात है, प्यार को प्यार है, सीधी सी बात है, प्यार को प्यार है, सीधी सी बात है। प्रेम कब पूछता है कि क्या जात है, प्रेम कब पूछता है कि क्या जात है, प्रेम कब पूछता है कि क्या जात है, प्रेम कब पूछता है जाते हैं। चाहे हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान, चाहे हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान, चाहे हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान, चाहे हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान। मुझको रस खान सलवार कहना गया, मुझको रस खान सलवार पहना गया, मुझको रस खान सलवार पहना गया, मुझको रस खान सलवार पहना गया। कईयों ने सुनी होगी संत रस खान की कथा, पठान थे, कथाएं सुनी, चर्चाएं सुनी कि वे वृंदावन में नंद का एक छोरा है जो ऐसी लीलाएं करता है, ऐसी क्रियाएं करता है, इतना सुंदर। वो श्रवण भक्ति जागृत हुई मन के अंदर, ये हुआ कि क्यों ना उस नंद के लाल से मिल लूं, एक बार जाकर उसके दर्शन अवश्य करूं। परिणाम चल पड़े वृंदावन की ओर, आए श्री बांके बिहारी जी के मंदिर। जैसे मंदिर में प्रवेश करने लगे, गोसाइयों ने रोक दिया कि भाई आपका प्रवेश निषेध है, आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं। बड़े बेचारे व्यथित हुए, बड़े ही उन्हें ग्लानी हुई। थोड़ी दूर जाकर रोने लगे कि मैं तो तेरे चर्चे, तेरी करुणा की, तेरी प्रेम की गाथाएं, लीलाएं सुनकर तो मैं तुझे मिलने आया, और ये क्या अपने दरबार में भी प्रवेश नहीं। देखने की बात अलग, तुमसे बात करने की बात अलग, कुछ भी तो नहीं। बस रोने लगे, बिलखने लगे, आत्मग्लानी से भर गए। ये सत्य घटना है ब्रज के भक्तों में। कुछ समय के बाद जब बिहारी जी के पट खोले गए तो बिहारी जी के लोगों, बिहारी जी के दर्शन लोगों को उसी ड्रेस में हुए जो सलवार और कमीज रसखान लेके आए। लोगों ने प्रत्यक्ष दर्शन किए कि बिहारी जी ने ये ड्रेस पहनी हुई है, सभी अचंभित, ऐसी ड्रेस तो कभी किसी ने चढ़ाई नहीं, आज बिहारी जी इस ड्रेस में कैसे। तब गोसाइयों का ध्यान संत रसखान की तरफ गया, फिर तो बात बदल गई। लेकिन ये वही रसखान जी हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे पदों की बाद में रचनाएं की कि ब्रह्म में ढूंढियो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुने चौगुने चायन, देखियो सुनियो कब हो न किते, वो कैसे स्वरूप वो कैसे सुहायन, टेरत हेरत हारी पढ़ियो, रसखान बतायो न लोग लुगायन, देखियो दुर्यो वर कुंज कुटीर में, वो तो बैठियो पलोटत श्री राधिका पाया। शब्द पे गौर करें, उन्होंने कोई उनकी भावना नहीं कि श्याम सुंदर किशोरी जी के चरण चाप रहे हैं, देखियो
उन्होंने ऐसा कुंजों में, निकुंजों में, निभृत निकुंज के अंदर देखा और वही जोत देखा, वही शब्द परवान चढ़ गए। देखो सुनियो वरकुंज कुटीर में बैठो पलोटक श्री राधिका पाए। ऐसी घटनाएं क्यों घट जाती हैं है? प्यार को प्यार है सीधी सी बात है, 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 प्रेम कब पूछता है कि क्या जात 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 है, चाहे हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान, 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 मुझको रस खान सलवार पहना गया, 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 उतरा सागर मेरे उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, 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 नुक्ता ची शंकावादी को मैं ना मिला, 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 सागर में जो उसको मोती मिले, 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 गोविंद लेकिन मौत कब
कहां किस क्षण आ जाए कि किसे भी पता नहीं, इसलिए बेइरादा मरने वाले बाइरादा मर के दे। जब मृत्यु अवश्यंभावी है, मरना निश्चित है, तो डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ता कि अब मरूंगा तो इन्हीं के चरणों पे मरूंगा, इनकी सूरत पे, इनके प्यार के लिए मरूंगा। और जिस क्षण तेरा ये निश्चय हो जाएगा कर चुका, सारे तमाशे कर चुका, ये भी तमाशा करके दे, सारे तमाशे कर चुका, ये भी तमाशा करके दे। और जैसे ही ये तमाशा करेगा, जिंदगी बन जाएगी, जिंदगी बन जाएगी तेरे लिए आवे हयात। आप वैसे पानी को कहते हैं हयात यानी जिंदगी, लेकिन यहां आप यानी रस, जिस जीवन को तू भार समझ रहा है वो रस से पूरित हो जाएगी जब तू ये तमाशे में लग जाएगा। जिंदगी बन जाएगी तेरे लिए आबे हयात, सबको अपना करके दे, सबको अपना करके देखा, उनको अपना करके देखो, सबको अपना करके देखा, उनको उनको अपना बना के दे। और जैसे ही तू उसे अपना मानेगा तेरे बन जाएंगे वो यार, जब तेरा है तो यार, जब तेरा है तो सारी है तेरी कायनात, सारी है तेरी कायनात, जिंदगी पे मरने वाले, जिंदगी पे मरने वाले, जिंदगी में मर के दे, जिंदगी में मर के दे, यानी किसी का हो जा, अपना सेल्फ, अपनी ईगो स्वाहा। जिंदगी पे मरने वाले जिंदगी में मर के दे, यार की करके ही तो दे, अर्ज करके